2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद पार्टियों ने सियासी समीकरण तय करना शुरू कर दिया है। ऐसे में चाहे एनडीए गठबंधन हो या एनडी गठबंधन हो, जीत का दावा किया जा रहा है। वैसे बात कर ले भारतीय जनता पार्टी की तो 400 प्लस सीटों के जीतने के साथ इरादे में वह चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन एक और सूचना आ रही है कि वो अपने कुछ सांसदों का टिकट भी काट सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 18 सांसदों के टिकट काटे जाने की बात कही जा रही है। वैसे अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि उनके बदले अन्य सांसदों को या अन्य लोगों को मौका दिया जा सकता है, नए प्रत्याशियों को मौका दिया सकता है। बनारस की जनता बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ी है, शाम का वक्त है और हम उनसे बात करेंगे कि क्या चल रहा है देश में, मिजाज चुनावी मिजाज यहाँ पर कितना समझा जा रहा है, भांपा जा रहा है। चाचा जी, बनारस में कितना काम हुआ है, हम ये जानना चाहेंगे। बनारस में तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है। हमारे सांसद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना काम किया है हिंदुस्तान में कोई भी सांसद नहीं किया होगा। दो बार आप लोगों ने यहाँ से उनको चुन कर भेजा है और आप कई सांसदों के टिकट कटने की बातें कही जा रही, चाहे हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो। आपको क्या लगता है सांसदों के परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट काटना चाहिए? किन किन सांसदों, आपके दिमाग में किन किन सांसदों के थोड़ा नाम आ रहे हैं? अभी तो यह क्लियर नहीं है किन किन का होगा, लेकिन ये तो समझ में आता है जो जो काम नहीं किए हैं उन्हीं लोगों का संभवतः टिकट काटा जाएगा, संभवतः टिकट काटना चाहिए। बनारस क्या सोच रहा है? दो बार आप लोगों ने बतौर सांसद प्रधानमंत्री मोदी को चुनकर भेजा है, खैर उनका काम का जमीन पर दिखता है, लेकिन बाकी सांसदों के लिए क्या कहेंगे? टिकट कट रहा है बहुत से लोगों का इस बार। जो टिकट कर रहा है, जो कार्य नहीं करेंगे उनका टिकट काटना जायज़ है। हमारे सांसद ने बहुत अभूतपूर्व काम किया है जिसको पूरा विश्व देख रहा है, और उसमें कुछ कहने की बात नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सामने दर्शक है, देख रहे हैं सब लोग, और देश विदेश में यहाँ काशी का नाम और भारतवर्ष का नाम काफ़ी उज्जवल है और एकदम चरम सीमा पर चल रहा है। इसलिए हमारे सांसद से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं लोगों से, उसी तरह सारे सांसदों को काम करना चाहिए जिससे हमारे देश की छवि और अच्छी हो। चलिए और लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं, परफॉर्मेंस के आधार पर हो या उनके एज लिमिटेशन हो, इन तमाम विषयों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार कई सांसदों के टिकट काट सकती है। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो 400 प्लस का नारा है वो सफल होगा इस बार? बिल्कुल सफल होने की पूरी संभावना है। जिस तरह इस समय बीजेपी अपनी पार्टी या भारत सरकार काम कर रही है, सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ लेके चल रही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रही है। 400 प्लस 400 तो है ही है, अब लड़ाई 400 प्लस की है, ये बात गौर करने वाली है। 400 प्लस लड़ाई इस पे हो, 400 तो श्योर है, 400 प्लस पे लड़ाई होने वाली है। 400 प्लस की ये बातें कही जा रही है, लेकिन ये एक तरीके से इतिहास होगा। खैर दो बार से बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है, एनडीए सत्ता में आ रही है, लेकिन लगता है कितना आसान है? नहीं, आसान तो है, ये इतिहास तो भारत के अंदर लिखा ही गया है। अभी अयोध्या मंदिर जो मसला था वो भी एक इतिहासी था, लोगों ने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि ये मसला इतना आसानी से हल हो जाएगा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल कपट के, और सारे लोगों ने इसका समाधान किया है और बड़ी खुशी जाहिर की है, चाहे किसी भी वर्ग विशेष के लोग हो, लेकिन कहीं इसकी कोई ऊंची नीच बात नहीं हुई है। देखिए 6 महीने पहले की बात कर ले, 6 महीना पहले जब रहा तो इंडी गठबंधन ने, इंडी गठबंधन की जो गोलबंदी थी वो देखी जा रही थी। चुनाव नजदीक आते आते तक दल जो है अलग हो गए, बिहार बंगाल पंजाब और अब तो उत्तर प्रदेश के ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो आरएलडी के भी सपा से अलग होने की बातें कही जा रही, जबकि उन्होंने सीटों को देने तक का ऐलान कर दिया था। नहीं वो तो है, सब काम इन्होंने बढ़िया किया है, और दूसरी चीज जितने गठबंधन है वो अलग अलग मत के कैसे एक हो जाएंगे? एनडीए भी तो कई दलों को एक साथ लेकर चल रही है, उनका विचार एक है इसलिए एक हो गए। वो अभी तो सोच रहे हैं एक होने के लिए, मोदी जी को हराने के लिए, और मोदी जी ने देश भर में ऐसा काम किया है, किसी के साथ मतभेद नहीं किया, जो भी कार्य किया हर वर्ग के लिए किया, हर धर्म के लिए ऐसी बातें हैं। हमारे साथ युवा साथी में जुड़े, हम उनसे भी बात करेंगे। ठंड आपको लग रही है, बनारस में कामकाज हुआ है, विकास तो बनारस में हुआ है, सच्चाई हुआ है। इस बार मौका किसको देने जा रही है देश की जनता? मौका का वही आ रहा है,
हमेशा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी, आप क्या सोच रहे थे? ठंड लग रहा है कि अचानक बढ़ी एक दो घंटे पहले ही, लेकिन सियासी सरगर्मी जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ चुकी है। आपको क्या लग रहा है, मौका किसको मिल रहा है इस बार? इस बार बीजेपी को मिल रहा है पूरा। बीजेपी को? हाँ, सब पूरा। कई सांसदों के टिकट भी काट रही है, आपके सांसद ने अच्छा काम किया, कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 यानी अपने सांसद को 10 में से 10 दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं रोजगार के मामले में, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है युवाओं को रोजगार? देखिए, रोजगार तो है ही है, जिसको काम करना है वो कर रहा है। बहुत से रोजगार, आप कई फील्डों में जाइए देखिए, काम काम दिखता है। पहले तो काम ही नहीं दिखता था कहीं, आप कहीं भी चले जाइए, रोड पे, शहर में, गांव में, हर जगह काम दिखता है। तो रोजगार तो है ही, अब नहीं करना है तो फिर कहाँ रोजगार? रोजगार की जो बातें कही जा रही है कि इनके शासन में मिला है नहीं, वो गलत कुछ नहीं है, गलत नहीं करना है तो गलत है, करना है तो बस रोजगार ही रोजगार है, करना है तो रोजगार की बातें यानी उपलब्ध है। एक अंतिम सवाल कि अगर इंडी गठबंधन की बात कर ली जाए तो इनकी जो है अलग अलग, इनके जो दल के साथ बना था वो अलग अलग हो रहे हैं, क्या लगता है, क्या मुश्किलें इनके लिए और बढ़ जाएंगी? क्योंकि वैसे ही अगर उनकी तैयारियों की, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की बात कर ली जाए तो उनके तुलना में इनकी तैयारियां काफ़ी पीछे थी, तो अब लग रहा है और मुश्किलें बढ़ जाएगी। देखिए, ये जो गठबंधन हुआ है ये प्रदेश स्तर पर हुआ है, कुछ जो है विपक्षी पार्टियाँ अपने अपने प्रदेशों में राज कर रही हैं और जितने मुख्यमंत्री वहाँ के सिटिंग मुख्यमंत्री हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपने बीजेपी की वजह से, हम इंडिया गठबंधन की वजह से हम अपनी सीट गवा दें, इसलिए वो गठबंधन में कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। देख लीजिएगा आने वाले समय में, मैं ये लिख के दे रहा हूँ, ये मैं आपसे बोल भी रहा हूँ कि इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है ये खरमंडल हो जाएगा, बनारसी भाषा में कह दूँ, खरमंडल हो जाएगा। गठबंधन को छोड़ दीजिए, खरमंडल हो जाएगा ये। अभी आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, उन्होंने राहुल गांधी को घुसने से, सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, इसका क्या मतलब है आप समझ सकते हैं, बड़ी मोटी सी बात है। यानी कि उन्होंने तो ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो बाकी इंडी गठबंधन से उन्होंने किनारा कर लिया, वो अकेले लड़ रही हैं, तो यानी संकेत साफ है कि हम सीधे अलग रहेंगे और अलग से ही हम मुकाबला। वो केवल आए थे मोदी जी को डराने के लिए, देखिए हम लोग एक हो रहे हैं, कोई ऐसा आप निर्णय करिए कि जिससे, जिसकी वजह से कोई एक गलती आप करें और उसको हम लोग पकड़ के जनता के सामने जाएं। मोदी जी बहुत ही शार्प माइंडेड है, उन्होंने शांत स्वभाव से सोचा, विचार किया और बुद्धि विवेक पे लिया निर्णय, छोड़ दिया उनको, आपको जो करना हो करना है, वो जानते थे वो क्या करेंगे। देखिए आने वाले समय में क्या होता है ये तो देखना होगा। क्या लगता है बनारस का मिजाज क्या है, किसे देखना चाहती है देश के प्रधानमंत्री पद पर? मोदी जी को। मोदी जी को कामकाज हुआ है बनारस में? बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा ये बताइए, टिकट भी कट रहे हैं कई सांसदों के, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें कि वो पूरी तरीके से तैयारी में है कि जिन्होंने कामकाज नहीं किया है या जिनकी उम्र हो चुकी है, अन्य कारणों से भी काट रहे हैं, आपको लगता है कि आपके भी आसपास के जिलों के उन सांसदों के टिकट कट सकते हैं? हाँ बिल्कुल कट सकते हैं, जो काम नहीं करेंगे पैसा खाएंगे उनका तो टिकट कटेगा ही कटेगा। और यहाँ बनारस में क्या क्या काम हुआ है? बनारस में तो सबसे बड़ा काम हुआ है अपना जो है कॉरिडोर बना है काशी विश्वनाथ यहाँ से एयरपोर्ट के लिए, जो है जाके देखिए रोड क्या VIP रोड बन गई, बढ़िया रोड बन गई है, बहुत ही VIP रोड। अच्छा एक विपक्ष का बड़ा आरोप है कि यहाँ कोई कारखाना 10 सालों में नहीं लगा, जिसकी वजह से यहाँ के रोजगार यहाँ पर तो जो बोलते हैं उनको भेज दीजिए फूलपुर एरिया में, और वहाँ पिंडरा से आगे फूलपुर एरिया पड़ता है, वहाँ जाके देखें न जाने कितने कारखाने लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर भी रोजगार का साधन दिया गया? बहुत ही खूब, बहुत ज़्यादा। चलिए तो आने वाले समय में देखना होगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ये संकेत दे दिए हैं कि कुछ सांसदों के टिकट भी काटे जाएंगे। ABP लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।